हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एसएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम विद मी। तो क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ से बड़ी अच्छी चीज आने वाली है और आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो पहले मैंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने उसमें मैग्नेट पढ़ा और वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी ये पढ़ी, किसी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये पढ़ा। बट आज मैंने ये टॉपिक लिखा है आपको समझाने के लिए, डिस्कस करने वाला हूँ सॉलिनॉइड। तो व्हाट इज अ सॉलिनॉइड है कि? तो सॉलिनॉइड इज अ कॉइल, बिल्कुल कॉइल की तरह है, कॉइल ही होते हैं। उसका यूज क्या है? तो सॉलिनॉइड है वेरियस यूज, आप उसे देखेंगे अगर आपके स्कूल में ही हम देखते हैं। ऑटोमेटिक बेल, तो बेल कैसे बनती है एकदम से, किस तरीके से वर्क करती है, तो उसमें आगे वर्ड आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे बड़ी चीज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट जो बन रहा है, तो वहां हम लोग सॉलिनॉइड कॉइल का यूज करते हैं। तो वो जो बेल स्कूल में बजती है की ऑन करते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिज्म आता है और फिर वो बेल रिंग करने लगती है। तो वहां एक कॉइल जो बनाई गई है वो कौन सा है? सॉलिनॉइड कॉइल है। दूसरी चीज, आपके घरों में एमसी भी सबने देखी होगी, हमने फ्यूज वायर पढ़ा। फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस हैं उन्हें बचाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन नाउ डेज हम फ्यूज वायर यूज नहीं करते क्योंकि वो काफी पुरानी टेक्निक है, वो बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चेंज करना पड़ता है। बट नाउ वी यूज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि वो जब करंट एक रेटिंग से ज्यादा हो तो डाउन होगी और सप्लाई को रोक देगी, लेकिन जैसे ही करंट यूनिफॉर्मली हो जाएगा, जैसे जितना होना चाहिए घरों में हाउस होल्ड वायरिंग में, तो वो अपने आप ऑन हो जाता है। तो सेल्फ हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन कॉइल है, तो वहां हम इस सॉलिनॉइड का यूज करते हैं। क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जो चीज भी हम पढ़ रहे हैं हमें उसका यूज पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है फिजिक्स के अंदर। क्योंकि फिजिक्स बुक से नहीं आई है, फिजिक्स बाहर से बुक में आई है, हमारे चारों ओर से, ठीक है? तो इसे जरूर अपने माइंड में याद रखें। तो सॉलिनॉइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, कितनी यूजफुल ये टूल है एक तरीके से, है ना? तो इसका यूज क्या है? तो यूज मैंने बता दिया, अब होती क्या है ये देखिए। आपके पास कोई भी नॉन कंडक्टिंग एक होलो सिलेंडर होना चाहिए। कैसा हो? होलो, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं चाहिए हमें। कैसा चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसे कट करूं और इसे होलो बना, तो ये मेरे पास ये होलो एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर मिल गया। या कार्डबोर्ड को सिलेंडर बना लूं, हमारे घरों में मिल जाते हैं कार्ड, शादी के कार्ड या कॉपी को, है ना, बुक्स के कार्ड आप कवर ले सकते हैं और उससे एक सिलेंडर बना सकते हैं। तो वो आपको एक सिलेंडर मिल गया होलो अंदर से, ठीक है? तो यहाँ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस तरीके से कि सपोज दैट ये एक हमारे पास, ये एक हमारे पास होलो सिलेंडर है, ठीक है? और कैसा है? नॉन कंडक्ट। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिया, होलो है, और इस पर अब हम इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर मीन जिन पर एक कवर चढ़ा हो, इंसुलेशन चढ़ा हो, उस वायर की वायरिंग करते हैं इस पर, ठीक है? और इसे तो वायर की जब वायरिंग करेंगे तो उसमें करंट फ्लो कराना होगा। यहां हम एक सेल ले, सेल या बैटरी, ये इसका यूज करेंगे, ओनली डीसी सेल ही यूज करेंगे, ठीक है? पहली बात पे, यहाँ जब आप घर में अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ सेल या बैटरी से
हम इसको करें। अब वायरिंग करने हैं भाई, तो वायरिंग मेरे साथ देखो कैसे करेंगे। यहाँ से करंट आ जाएगा, इसके पीछे से वायर डाला कहाँ से, जैसे ये आपके पास सिलेंडर है मतलब होलो सिलेंडर, तो आप वायरिंग ऐसे भी कर सकते हो। तो हम पीछे से करेंगे, इधर से नहीं, इधर से। जब इधर से वायरिंग करेंगे तो वायर नहीं दिखाई देगा, है ना, तो वायर नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई। जैसे पीछे से वायर डाला तो ऐसे करके, तो ये वायर आएगा, ठीक है, ये देखा। फिर पीछे से आएगा, तो फिर कैसे करेंगे, हाँ या ये आ गया, फिर ये वायरिंग हम लोग करते जा रहे हैं, है ना, इस टाइप से। फिर ये आ गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स की वायरिंग आप कर रहे हैं। फिर ये आ गया, ठीक है, और इसके पीछे से आएगा। अब ये बाहर से ऐसे निकाल दी और ये जाएगा इस तरीके से पीछे से, ये ऊपर से, ये वायर ऊपर से आ रहा है और ये इसके पीछे से, जैसे यहां से जाते हुए इस तरीके से टर्न लिया और हमने, पर ये ऊपर से ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो करंट को बनाओ भाई, ये डायरेक्शन करंट की हो गई, किसका हो गया, करंट की डायरेक्शन, ये आई करंट इसमें फ्लो हो गया। ये आपके पास एक इसमें स्विच लगा की ऑन हो गया, ठीक है। इतना सर्किट आप लोगों ने बना लिया, घर पे भी बना सकते हैं। और इस पूरे सेटअप को ऐसे एक थ्रेड लें, थ्रेड भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉर्मल थ्रेड लें, वायर नहीं लेना, और इस पूरे सिस्टम को ऐसे हैंग कर दिया, ठीक है। हैंग कर देंगे, हम लोग देखेंगे ये जो सॉलिनॉइड, ये जो कॉइल है, अब किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लेस्ड हो। पहले जब करंट ऑन नहीं किया है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते, लेकिन जैसे करंट ऑन कर दिया तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो रेस्ट में आ जाएगी। फिर आप उसे डिस्प्लेस कर दें, फिर घुमा दें, फिर से वो उसी डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कब होता है, जब हम किसी एक मैग्नेट को ऐसे हैंग करते हैं, लटकाते हैं थ्रेड से, तब वो उसका नॉर्थ पोल मैग्नेट का, अगर आप एक मैग्नेट बार मैग्नेट लें, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, उसे जब हैंग करें तो ये नॉर्थ किस में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा भाई, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल अर्थ के साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में प्लेस्ड होंगे। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये जो कॉइल थी हमारी वो भी क्या होगी, एक एंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरेगा और दूसरा अपोजिट जो एंड है वो साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, इस तरीके से ठहरेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉइल इंसुलेटेड कॉइल थी, है ना, नॉन कंडक्टिंग कॉइल थी, करंट फ्लो कराने से वो क्या बन रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही हमारा चैप्टर है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द करंट वी जनरेट मैग्नेटिज्म इन द कॉइल। तो ठीक है, तो ये सॉलिनॉइड, ये तो सॉलिनॉइड इज अ टाइप ऑफ कॉइल विच मे ड्यू टू द वायरिंग ऑफ इंसुलेटेड वायरिंग ऑन अ नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर। कि एक होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है और उस पर हम इंसुलेटेड वायर की वायरिंग करें और उसके अंदर करंट फ्लो कराएं, तब वो कॉइल बिहेव जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट एंड रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब बार मैग्नेट में तो हमें पता है कि विच वन इज नॉर्थ पोल, विच वन इज साउथ पोल, बट यहां हमें नहीं पता कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो है, इस तरीके से क्लॉकवाइज है,
तब कैसा पोल बनता है भाई? साउथ पोल बनता है। कैसा बनेगा? साउथ। अगर करंट नॉन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यहां देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तब पोल कैसा बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो हमें यहां यही देखना होगा, इस तरीके से हम फेस देखेंगे कि अगर करंट वायरिंग हमने ऐसे करा है और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये पोल कैसा होगा? साउथ। अगर ये साउथ है तो फिर वो कैसा होगा? नॉर्थ हो। तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने वायरिंग ऐसे पीछे से ली है यूं करके, तो ये मैंने कैसे ली है? क्लॉकवाइज ली है भाई। इस वाले एंड्स की वायरिंग कैसे है? क्लॉकवाइज है। और इधर से जब देखेंगे तो वो कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो ये पोल बना कैसा? साउथ पोल। ये कैसा बना भाई? साउथ पोल। और ये इस सॉलिनॉइड का कैसा बना? नॉर्थ पोल। तो बन गई मैग्नेट। तो ये वाला एंड सॉलिनॉइड का नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरेगा और अपोजिट पोल साउथ डायरेक्शन में। तो ये है सॉलिनॉइड। कि सॉलिनॉइड इज अ टाइप ऑफ कॉइल व्हिच मेक व्हिच कैन बी मेड बाय वायरिंग ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन अ नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर। ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करेंट इट वर्क जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इट वेरियस यूजेस, इट यूज इन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसकी तरह वर्क करती है? जनरली हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये लगाई जाती है। जहां भी करंट को आपको क्या करना है, रजिस्ट करना है, रोकना है, तो वहां हम सोलेनोइड का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा यूज सोलेनोइड का ही होता है। क्लियर? ये प्रैक्टिस आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अगर ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहे हैं, मैग्नेट बन रहा है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बननी चाहिए, जैसे एक मैग्नेट में से बनती हैं। इस तरीके से नॉर्थ पोल से मूव करती हैं, किस तरफ जाती हैं? साउथ पोल पर जाती हैं, जाती है नहीं इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे भाई, ठीक है। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। तो ये इसकी एक्सिस देखने में, तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और ये सोलेनोइड आपकी पूरी बन गई। और किसकी तरह बिहेव कर रही है भाई? मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह। ये इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो जनरली ये यूज किसके लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तब हम सोलेनोइड का यूज करते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कि जब सोलेनोइड और मैग्नेट सेम है एक तरीके से, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग क्यों बनाए गए? बार मैग्नेट से काम चला लेते। तो देखो भाई, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, तो उसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा होता है, और मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? वीक होता है, और एंड्स पर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड मिडिल में स्ट्रॉन्ग होगा और एंड्स पर वीक होगा। एंड्स पर कैसा होगा? वीक होगा। ये सबसे बड़ा फर्क है, ठीक। इससे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बता दें, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल बी से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स एन, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, यानी जितने ज्यादा वायर का टर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज और किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर। करंट जितना ज्यादा होगा
करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। अगर आपको पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसमें आप क्या करें, करंट की रीडिंग ज्यादा कर दें, करंट ज्यादा बढ़ा दें, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पर, बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, बी से, कैपिटल बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एंड जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के सोलेनोइड कॉइल पर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रूड, या मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन क्रूड। अब क्रूड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन क्रूड। क्रूड कहते हैं इस सोलेनोइड के अंदर हम एक आयरन का पीस रखते हैं, अगर हमें और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो उस होलो कॉइल के अंदर एक आयरन का क्या रख दो, पीस रख दीजिए, उस पीस को ही कहते हैं क्या, क्रूड कहते हैं। अब वो क्रूड किसकी बनी हो, तो वो सॉफ्ट आयरन की बनी हो, किसकी बनी हो, सॉफ्ट आयरन। तो अगर आपने और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा या सॉफ्ट आयरन का कोई पीस आप रख दीजिए, तो उसी सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड से उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक अगर आप करंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग आएगा। और दूसरी चीज, अगर और ज्यादा चाहिए तो फिर सोलेनोइड के अंदर आप एक क्रोड रख दीजिए, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, आयरन पीस, तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। डिफरेंस बता दिया कि बार मैग्नेट में और सोलेनोइड में क्या है, इसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, मिडिल में बहुत ज्यादा होगा, जबकि बार मैग्नेट में एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और मिडिल में कम होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इससे आगे है, और बहुत ही ये जो मैंने पढ़ाया है सोलेनोइड काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में सोलेनोइड से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है, यूजेस क्या है, या किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या कभी कभार ये भी आ गया कि डायग्राम दिया है कि पोल बताइए कि विच वन, कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ, तो वहां आपको केवल और केवल ये चीज याद रखना है कि वायरिंग देखना है, करंट की डायरेक्शन देखना है, क्लॉक वाइज है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉक वाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, बहुत ईजी है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात हम कर रहे हैं एक नई चीज का, आप देखेंगे आज जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक नया है आपके लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, करंट है, तो हमारे पास क्या बना, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो करंट की वजह से, करंट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। अब हमारे पास दोनों है, करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एक तीसरी चीज बनती है और वो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि आप एक मैग्नेट लाओ, यू शेप्ड मैग्नेट, जिसमें टू पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है भाई, तो जैसे मैं यहां बना रहा हूं इस टाइप से, ये मैंने एक मैग्नेट बना दिया, तो इसका ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ, और इसके अंदर से मैंने एक वायर निकाला, ये वायर, और इसका रिलेशन मैंने एक बैटरी से कर दिया। ठीक, और एक कीड़ा, ये सेल है भाई, करंट फ्लो होगा इसमें हाई, तो यहां आप देखो ये पूरा, ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी है।
कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ये हो, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, बी से, और ये करंट हो गया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो इन दोनों का कंपोजिशन है आपके पास, करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो बायो सेवर्ट, साइंटिस्ट का नहीं मैं अलग है, बायो और सेवर्ट दो टू साइंटिस्ट, उन लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया और बताया कि जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स आप सब लोग जानते हैं कि हर एक काम करने के लिए, हर एक वर्क करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। कि विदाउट फोर्स मैं इस कैप को भी नहीं खोल सकता, ये तो मैंने वर्क कर दिया, बट किसकी वजह से, फोर्स की वजह से मैंने इस पर क्या लगाया, फोर्स। अगर मेरे पास फोर्स नहीं है तो मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा, ओपन नहीं कर सकता, लेकिन जब फोर्स है तो मैं कर सकता हूँ। तो फोर्स इज वेरी असेंशियल थिंग, वेरी असेंशियल फिजिकल क्वांटिटी, वेरी असेंशियल की फॉर डूइंग वर्क, ठीक है। विदाउट फोर्स वी कांट डू एनी वर्क, ठीक है भाई। तो हमें फोर्स चाहिए, तो जहां हमारे पास एक मैग्नेट मिल गया, एक करंट मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। जो फोर्स आज तक हम अपने शरीर से लगाते थे है ना, वो फोर्स अब हमें यहां मिल रहा है। तो यहां तो टॉपिक का नेम है फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर ऑन अ कंडक्टर विच प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भैया अब क्या होगा, यहां हम फ्लेमिंग्स, अब फोर्स तो लगा, जब आप इस वायर को देखेंगे तो आप देखना कि ये जो वायर जो अभी सीधा है, और जैसे करंट आपने ऑन कर दिया तो वायर सीधा नहीं रहेगा, फिर ये वायर कैसा हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा यूं, और ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अभी ये वायर कैसा था, पहले सीधा वायर था, लेकिन जैसे करंट आप ऑन कर देंगे तो ये वायर कैसा हो जाएगा, ऐसे आर्क बन जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको लगेगा कि इस वायर पे कुछ क्या लग रहा है, कि ऐसा क्यों, स्ट्रेट क्यों नहीं। तो इससे पता लगता है कि उस पर क्या लगा, ये फोर्स लगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों का कंपोजिशन जब मिल जाता है तो क्या बनाता है, फोर्स बनाता है, और वो फोर्स बहुत जरूरी चीज है किसी भी वर्क को करने के लिए। समझ में आया, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्टिविटी आप घर पर करके देख सकते हैं कि टू मैग्नेट्स लें या एक मैग्नेट लें जिसमें दोनों पोल हों, नॉर्थ और साउथ, और उसमें एक वायर प्लेस्ड कर दें और करंट स्टार्ट कर दें, तब आप देखेंगे कि वो वायर किसी एक डायरेक्शन में खिंच जाता है, तो ऐसा लगेगा कि उस पर एक फोर्स लगा। अब ये तो हो गया कि फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये मैंने कैसे बता दिया कि ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए टू लॉज हैं, टू रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे याद कर लें, एग्जाम में बहुत आता है भाई, ठीक है, और इजी है, बहुत हार्ड नहीं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अब रूल क्या है भाई, आपको स्टार्टिंग की थ्री फिंगर्स लेंगे, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को ऐसे रखना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे रखना है एक दूसरे की, ये तो फर्स्ट फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, ठीक है, इस तरीके से, और तीनों ही एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और बाकी की फिंगर ये रहेंगी और ये आपका थंब रहेगा भाई, ठीक है, इस टाइप से, ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर इस तरीके से, ये फर्स्ट फिंगर हो गई है ना, ये मिडिल फिंगर,
थंब क्या रहेगा इस तरीके से, ये थंब रहने वाला है, ठीक है भाई। चलो ये थंब, तो तीनों ही एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो ऐसे, ये फर्स्ट फिंगर, ये थंब और ये मिडिल फिंगर, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों के मिडिल में 90 डिग्री जाएंगे और ये इसके मिडिल में 90 डिग्री, तो तीनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर। राइट हैंड यूज नहीं करना अभी, कौन सा कर रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये लेफ्ट हैंड। तो फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, फर्स्ट फिंगर किसको दिखाती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और मिडिल फिंगर किसको दिखाती है, करंट को, किसको, करंट आई को, और थंब फिर किसको दिखाएगा, फोर्स को शो करेगा, किसको, फोर्स को। तो ये चीज याद रखना, ये आपकी क्या कौन सी फिंगर, याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, ये फिंगर कैसी सेंटर में आ रही है, देखो टू इधर टू इधर, तो ये क्या है सेंटर फिंगर, तो सी से क्या बनता है, करंट, सी से क्या बनता है, करंट, तो सेंटर फिंगर किसको शो करेगी, करंट को, फर्स्ट फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और तब थंब किसको शो करेगा, फोर्स को। तो यहां देखो भाई, वही मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही ये हो गया, और करंट ये जा रहा थी सेंटर फिंगर, ये करंट को शो कर रही, देखो ये हो गया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, अगर ऐसे रखे होते पेपर पर बोर्ड पर, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये करंट हो गया सीधे जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक, तब मेरा थंब किधर जा रहा है भाई, ऊपर की, तब ये फोर्स किधर लगेगा, तो वायर किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यही चेंज कर दें हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल बना दें और ये नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई भाई। अब क्या होता है, यही फोर्स देखो, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट हमें ऐसे लेना होता है, कैसे, डाउनवर्ड्स, तब यही फोर्स मेरा थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तब ये फोर्स फिर चेंज हो जाता और वायर किधर मुड़ जाता, नीचे की ओर आ जाता, डाउन। तो ये बहुत इजी रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट हो, तब आपको फोर्स मिलेगा, और उस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तब हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा रूल है, वो भी इजी है, कि राइट हैंड पाम रूल, ये क्या है भाई, तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दें साफ, तब देखो ये राइट हैंड पाम रूल बताएं, ये वायर डायरेक्ट, ये करंट आई, ठीक है भाई, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसमें राइट हैंड है, कैसा है, राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, कि इस तरीके से रखना कि जो फिंगर होंगी, फिंगर किसको शो करेंगी भाई, जैसे मैं ये फिंगर्स बना दूं, है ना, ये फिंगर बना, ये मैंने राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से, ठीक, तो ये आपको थंब किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर किधर रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है भाई, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब करंट की डायरेक्शन, जब आपकी जो हथेली होगी पाम, वो किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फोर्स को, किसको शो करेगी, फोर्स को शो करेगी। तो भाई देखो आप यहां देखते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मेरा थंब आ गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये फिंगर्स आ गए, तब ये हाथ मेरा किधर है, ऊपर की तरफ है, हथेली, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर, तब ये वायर किधर हो जाता है, ऊपर की हो जाता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या जो फोर्स है,
किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट की वजह से हमें फोर्स मिलता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हम टू लॉज से पता कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि हमें तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, सेंटर फिंगर करंट को, तब फोर्स जो थंब जो होगा वो फोर्स को शो करेगा। दूसरा राइट हैंड पाम रूल, कि जो हमारी फिंगर्स हैं सीधे हाथ की वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएं और जो थंब है वो करंट को बताए, तब आपकी जो हथेली होगी वो किसको बताएगी? फोर्स को बताएगी। क्लियर? इजी है, बहुत इजी। ओके, तो इसकी वजह से अब तुम्हें ये मिल गया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा यूज लाइफ में है ना, फिर देखा है ऑस्टेड ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है, फिर बायोसेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया, मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दिया, फिर बायोसेवर्ट ने बताया कि जब आपके पास मैग्नेट और करंट दोनों हैं तो आप एक और यूजफुल चीज बन सकती है, और वो क्या था? फोर्स, जिसने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को ईजी कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। क्यों? अब तक हम फोर्स किससे लगाते थे? अपनी बॉडी से, जानवरों से काम कराते थे, गाड़ियां खिंचवाते थे, फोर्स तो चाहिए, हमारे पास मशीनें नहीं थी। लेकिन जब ये चीज लोगों को पता लगी कि मैग्नेट और करंट की वजह से हमें फोर्स मिलने लगा है, तो लोगों ने मशीन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इंग्लैंड में मशीनें बनना शुरू हुई, क्यों? वहीं के साइंटिस्ट ने बताया, बारे और सेवर्ट ने। तो इस पर बेस्ड हमें एक मोटर मिली गई, इलेक्ट्रिक मोटर, जो किस पर वर्क करती है? इसी प्रिंसिपल पर, कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स से बनी क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। इस मोटर का यूज आप अपने चारों ओर हर जगह देख सकते हैं। नाम बताओ? फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर। आपको जो भी मशीन घूमती हो दिखाई दे, समझ जाओ वहां यही है, ये सब कुछ है। वाटर पंपिंग मशीन, पानी भरने वाली मशीन, तो जितनी भी आपको मशीन दिखाई दे और जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके पीछे कौन है? यही प्रिंसिपल, यही एक्टिविटी है। तो है ना यूजफुल? तो जब ये चीज साइंटिस्टों को पता लगी, उन्होंने फिर इंजीनियर्स को बताया, इंजीनियर्स ने मशीनें बनाना कर शुरू कर दी और लोगों की लाइफ को बहुत इजी बना दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रिक मोटर आप सबने देखी है, हर जगह मिल जाएगी, बटन एक की ऑन करो वो रोटेट करने लगती है। तो वो मोटर आखिरकार बनी कैसे, उसके अंदर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करती है, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, कोई भी एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड एन्जॉय फिजिक्स विद मी। थैंक यू।